जैसे आप साहब आइए, आप लोग कैसे होंगे? हम भी अच्छे हैं और मैं तो रास्ते में हूँ और निकल चुका हूँ घर के लिए। घर जा रहा हूँ और रास्ते में एक चीज़ आप लोग को दिखाते हुए लेके जाऊँगा सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से सोचता हूँ कि वो चीज़ आपको दिखाऊँ, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया था कि हम अकेले आए या तो अकेले जाएं, ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अकेले जा रहे हैं इधर से घर, तो मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा देर गाड़ी रोक के आप सबको वो सब चीज़ दिखाऊं, जो चीज़ मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरा व्यूअर्स मेरा सब्सक्राइबर लोग को मैं दिखाऊंगा बोल के। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आज कुछ दिखाने के लिए। और वो जगह कौन सा है बहुत सारे आदमी जानते भी होंगे या तो कोई कोई नहीं भी जानता होगा, तो मैं वो जगह का नाम भी बताऊंगा और वो क्या चीज़ दिखाने वाला वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, मैं पहुंचने वाला हूं, अभी गाड़ी रोकूंगा, फिर आप सबको वो चीज़ दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं एक ऐसा जगह में रुका हूँ दोस्तों, और आप लोग को दिखाने के लिए ही रुका हूँ, गाड़ी मेरा खड़ा किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं गाड़ी खड़ा किया हूँ और खड़ा हुआ हूँ। अभी हम आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने के लिए लेके जाएंगे कि आप भी देखेंगे तो आप जानते होंगे, देखे होंगे, पर मैं जो दिखाऊंगा आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। और दोस्तों हम आपको बताने का कोशिश भी करेंगे ये जगह कहाँ का है और कौन सा जगह है, तो आप लोग भी देखिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखेंगे तो शायद कोई कोई नहीं देखे रहेगा तो यकीन भी नहीं होगा, तो बहुत भयंकर चीज़ दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए चलते हैं और हम आपको पूरा दिखाते हैं और बताएंगे पूरा क्या चीज़ है, क्या नहीं, कैसा है और कहाँ है और कौन सा जगह है और कैसे आएंगे, सब हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं गया था भुवनेश्वर, वहाँ से अभी आ रहा हूँ, तो रास्ते में पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा लगा आप लोग को मेरा व्यूअर्स मेरा सब्सक्राइबर लोग जितना भी है वो सबको हम बताएँ, कभी इधर आएँगे तो मिल लेंगे, देख लेंगे बोल के सोचे और यहाँ पर रुके हैं और आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, हम गाड़ी खड़ा कर चुके हैं। चलिए ये देखिए, बहुत ज़्यादा धूप है और हम रोड से इस पार हो रहे हैं और ये पार्क जैसे है नदी, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या है, बनेईगढ़ बनेई। और हम आपको एक तालाब दिखाने जा रहे हैं, तालाब बहुत बड़ा तालाब है और पार्क जैसे है, साइड साइड घूमने वॉकिंग करने के लिए है। और हम एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, वो चीज़ आप देखिएगा, देखिए भोलेनाथ, देख रहे हैं तालाब का बीचों बीच में रखे हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है एकदम, और लुकिंग पूरा ऐसा है, पूरा सच में बैठे हैं जैसे, पूरा पूरा जीता जागता बैठे हैं जैसे दिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए बहुत बड़ा एरिया है, इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, देख रहे हैं। और उधर एक टू बैठने के लिए जगह है और ठीक मेन रोड का सामने है, और ऐसे निकलेंगे तो इधर तो ये रास्ता जाता है अपना वाटरफॉल, और इधर से ये रास्ता निकलेंगे तो इधर आप निकल जाएंगे राहुल किला, और इधर से ऐसे जाएंगे तो वाटरफॉल जाएंगे, क्या नाम है, कितना सुंदर बैठे हैं आराम से, जय भोलेनाथ। तो चलिए और आगे दिखाने का कोशिश करते हैं और कैसे कैसे आएंगे, हम वापस जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। ये मेरा गाड़ी,
चलते हैं। मैं फिर से गाड़ी उड़ी लेके निकल चुका हूँ मार्केट की तरफ, और यही रास्ता होकर मैं राउरकेला चले जाऊँगा। ये रास्ता राउरकेला निकलता है, और जो पीछे में दिखाया आपको वो रास्ता आपको ले जाएगा खंडाधर वाटरफॉल। तो ये जो है ये बनईगढ़ का, ये रास्ता जो है बनईगढ़ का सबसे बड़ा टाउन है बोलने से चलेगा। पहले बहुत ही मतलब सिंगल रास्ता था, अभी डबल रास्ता हो गया और मार्केट बहुत अच्छा से डेवलपमेंट हुआ। और एक चीज़ हमको आपको दिखा रहे हैं, एक बिल्डिंग में हेलीपैड खड़ा है, मैंने हेलीपैड है, वहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा है, देख रहे हैं ऊपर में, देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए दोस्तों, ये नहीं है, ये सीमेंट से बनाया गया है, डिजाइन टाइप का बनाया है, लेकिन बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, नज़ारा टू है। और ये मेन मार्केट निकलेंगे, उसके बाद में नरेंद्र ब्रिज आएगा और उधर होके राउरकेला चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर, बाय।